उत्तराखंड के तपोवन में भारत अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, सैनिकों ने कौशल का आदान प्रदान किया। 4 दिसंबर को कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में AICC में होगी बैठक। निर्वाचन आयोग की पार्टियों को 2021-22 में प्राप्त चंदी के आंकड़े प्राप्त किए गए। बीजेपी को 614.53 करोड़ तो कांग्रेस को 95.46 करोड़ रुपए चंदा मिला। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख। यूपी के बहराइच में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक में हुई टक्कर, 6 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीकानेर में मेगा जॉब फेयर में की शिरकत, OPS को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गुर्जर नेताओं की सरकार से आज फिर होगी वार्ता, कल कई घंटों तक विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। मंत्री टीकाराम जूली का जन्मदिन आज, मंत्री जूली ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। RTDC चेयरमैन धनमय राठौड़ का सरदार शहर दौरा, राजपूत समाज ने किया जोरदार स्वागत। जालौर के भीनवाल में ACB की बड़ी कार्रवाई, EO आशुतोष आचार्य 4.5 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप। जयपुर में JDA के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई, 15 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में बदमाशों ने ATM को बनाया निशाना, SBI के ATM उखाड़ कर दे गए बदमाश। राजसमंद के आमेट में वृद्धा की हत्या, खून से लथपथ मिला वृद्धा का शव। बारां के नाहरगढ़ में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मोबाइल टावर पर चढ़ने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में महाविद्यालय में निर्माण कार्य के दौरान हादसा, मलबे में दबने से श्रमिक की मौत। भरतपुर में निर्माण कार्य के दौरान हादसा, दीवार गिरने से 3 मजदूर घायल। जयपुर के बस्सी में ट्रेलर और बस में भिड़ंत, 6 लोग घायल। गिड़वाना में रोडवेज बस के परिचालक से मारपीट, मामले में कार्रवाई, मारपीट का छठा आरोपी भी गिरफ्तार। कोटा में पुलिस ने फाइनेंस व्यवसायी को धमकाकर फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। झुंझुनू में सड़क हादसे में CID ASI की मौत, बाइक से ऑफिस के काम जाते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हनुमानगढ़ में 49 ग्राम चिट्टा के पास पति पत्नी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कोटा के टाव में सड़क पर आए जानवर को बचाने के चक्कर में पलटा मिनी ट्रक, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। अलवर में खाद बीज व्यापारियों से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया, घटना को लेकर व्यापारियों में रोष। बाड़मेर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की हुई शुरुआत, कलेक्टर और SP ने शुरुआत की। करौली में भगवान महावीर के महामस्ताभिषेक महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, महोत्सव 4 दिसंबर तक चलेगा। G20 देशों की शेरपा मीटिंग को लेकर उदयपुर में तैयारियों का दौर जारी, 4 से 7 दिसंबर तक होगा आयोजन। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में धरने पर बैठे पार्षदों ने की भूख हड़ताल, पिछले 1 सप्ताह से धरने पर बैठे हैं पार्षद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 269 मामले सामने आए, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4855 पहुंचा। फीफा विश्व कप मुकाबले में नीदरलैंड ने कतर को दी मात, एक तरफा मुकाबले में 2-0 से हरा दिया। अभिनेत्री रवीना टंडन की जंगल सफारी में बाघ के करीब पहुंची जिप्सी, नियम तोड़ने की वजह से एक्ट्रेस के खिलाफ होगी जांच।